सभापति महोदय, सबसे पहले मैं हमारे देश के समस्त बहादुर सैनिकों जिन्होंने देश की अखंडता और संप्रभुता को अक्षुण रखने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है को नमन करता हूं। और इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन बिल 2023 के बारे में जो बातें मैंने रखी हैं उन बातों को यहां पर दोहराना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूंगा सभापति महोदय, यह बिल मौजूदा सेवा अधिनियमों में किसी भी बदलाव का प्रस्ताव नहीं करता है और यह बिल केंद्र सरकार को अंतर सेवा संगठनों के गठन की घोषणा करने की भी शक्ति प्रदान करना प्रस्तावित करता है। और यहाँ मैं इस बात का भी जिक्र करना चाहूँगा कि स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस 2022-23 ने इस बिल को बिना किसी अमेंडमेंट के पारित किए जाने की रिकमेंडेशन की है और इसलिए मुझे प्रसन्नता है कि किसी ने किसी प्रकार के संशोधन का कोई प्रस्ताव नहीं किया है। इसलिए मैं पूरे सदन से अनुरोध करना चाहता हूँ कृपया सर्वसम्मत इस बिल को पारित करने का कष्ट करें।